हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी लास्ट मिनट रिविजन विद आर एम एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मार्केटिंग के काफी सारे एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगले लेक्चर में हम मार्केटिंग के एमसीक्यूज पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे के सब्जेक्ट्स भी आपको एमसीक्यूज इस चैनल पर मिलने वाले हैं इसलिए अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले बार जब वीडियोस आएंगे तब आपको आपका एक भी वीडियो मिस ना हो और आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो सके तो स्टार्ट करते हैं पार्ट वन मार्केटिंग एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर वन व्हेन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज द कोर देन कस्टमर एक्सपेक्टेशंस इट रिजल्ट्स इन अगर हम प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देते हैं मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए अगर उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं इट रिजल्ट मतलब कस्टमर को बहुत सारी फैसिलिटीज देना प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखना उसको हम क्या कहते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन कस्टमर्स डिलाइट या प्रोडक्ट मार्केटिंग तो ऐसे कंसेप्ट को बोला जाता है कस्टमर्स डिलाइट मतलब कस्टमर्स को हम हैप्पी कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग सम एक्स्ट्रा पार्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे ताकि क्वालिटी अच्छी बनी रहे ड्यूरेबिलिटी बनी रहे एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ कस्टमर्स डिलाइट डैश कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग कस्टमर वांट्स एंड अप विद सेटिस्फेक्शन ऑफ दोज वॉन्ट्स देखो मार्केटिंग के बहुत सारे कंसेप्ट है इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग तो जैसे बार्टर सिस्टम था प्रोडक्ट कन्सेप्ट प्रोडक्शन कंसेप्ट सेलिंग कन्सेप्ट मार्केटिंग कन्सेप्ट हॉलिस्टिक मार्केटिंग कन्सेप्ट ऐसे बहुत सारे है वहाँ से एम बन सकता है हर कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ के रखें तो अगर ऐसा कंसेप्ट जो मार्केटिंग स्टार्ट विद आइडेंटिफाइंग कस्टमर वॉन्ट्स कस्टमर के वॉन्ट्स को ध्यान में रख के कस्टमर के सेटिस्फेक्शन तक जाता है तो ऐसे कंसेप्ट को क्या कहते हैं मार्केटिंग प्रोडक्ट प्रमोशन या प्रोडक्शन दैट विल बी कॉल्ड एस मार्केटिंग कंसेप्ट तो मार्केटिंग कंसेप्ट ही कस्टमर एक्सपेक्टेशंस कस्टमर वांट्स के ऊपर ध्यान देता है क्वेश्चन नंबर थ्री विच कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग एम्स एट बैलेंस बिटवीन सोसाइटीज वेलफेयर कस्टमर सैटिस्फेक्शन एंड कंपनीज प्रॉफिट सोशटिल कंसेप्ट सेलिंग कंसेप्ट मार्केटिंग कंसेप्ट प्रोडक्शन कंसेप्टो काफी ईजी है जो सोसाइटी के ऊपर ध्यान देता है वो कौन सा कंसेप्ट होता है दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर द इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ ब्रांड ओवर एंड अबाउ इट्स फिजिकल अट्स इज कॉल्ड एज ब्रांड इक्विटी ब्रांड इमेज ब्रांड लॉयल्टी ब्रांड स्ट्रक्चर तो ब्रांड का जो पार्ट है उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ओवर एंड अबाउट फिजिकल असेट्स के बारे में पूछ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्रांड इक्विटी तो इट इज़ बीन कॉल्ड एज ब्रांड इक्विटी फिफ्थ पॉइंट डैश मार्केटिंग मेक्स यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स तो ऐसे बेस पे अगर जो मार्केटिंग की जाती है उसको क्या कहते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग टेली मार्केटिंग या वायरल मार्केटिंग ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही ऑनलाइन मार्केटिंग फिर कवर होती है क्वेश्चन नंबर सिक्स डैश इज एन एलिमेंट ऑफ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन तो सेगमेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है एस का कंसेप्ट आपको याद रखना है सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग तो जो सेगमेंटेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं मार्केट्स को डिवाइड कर लेते हैं और उसके बेसिस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो डेमोग्राफिक की बात कर रहा है यहाँ पे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जहां पे एज जेंडर सेक्स ये सारे कवर होते हैं तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा इसका राइट आंसर बनेगा एज एज इज एन एलिमेंट ऑफ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन सेगमेंट विद इन सेगमेंट इज कॉल्ड एज तो एक हमने सेगमेंट कर दिया वो सेगमेंट के अंदर फिर सेगमेंट करके उसके ऊपर हम अगर कॉन्सेंट्रेट करते तो उसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग निश मार्केटिंग सोशल मार्केटिंग या इवेंट मार्केटिंग इफ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सेगमेंट विद इन सेगमेंट एक सेगमेंट कर दिया उसके अंदर फिर एक छोटा सा सेगमेंट किया उसमें कॉन्सेंट्रेट करें तो दैट इज कॉल्ड एज निश मार्केटिंग तो दैट इज कॉल्ड एज निश मार्केटिंग क्वेश्चन नंबर एट डैश इज अ मेथड ऑफ़ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स विद इन द सेम ब्रांड नेम एक ही ब्रांड नेम के अंदर अगर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं जैसे टाटा का आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं देखो टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं लेकिन हर एक प्रोडक्ट्स के अंदर टाटा ही है टाटा टी है टाटा स्टील है टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर है टाटा हाउसिंग है बहुत सारे तो टाटा इज एन एग्जाम्पल फॉर दिस इज अ मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स विद इन द सेम ब्रांड नेम ब्रांड फटीक ब्रांड लॉयल्टी ब्रांड पोजिशनिंग या ब्रांड एक्सटेंशन तो उसको हम बोलते हैं ब्रांड एक्सटेंशन एक्सटेंड करना सेम ही प्रोडक्ट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम विद इन द सेम ब्रांड नेम डैश इज डैश मार्केटिंग चैनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो लेवल तो इनमें से कौन से मार्केटिंग चैनल को जीरो लेवल भी बोला जाता है हॉरिजोंटल इनडायरेक्ट वर्टिकल एंड डायरेक्ट तो डेट विल बी कंसिडर एज डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो लेवल क्वेश्चन नंबर टेन इज फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्राइजिंग अंडर डैश प्राइजिंग स्ट्रेटेजी हायर प्राइज इज चार्ज एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन जब हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे तब ज्यादा प्राइस रखेंगे और बाद में प्राइस को कम कर देंगे तब जब कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आएंगे तो उसको क्या कहते हैं पेनिट्रेशन स्कीमिंग द प्राइस फॉलो द लीडर या कॉस्ट प्राइस सो दैट विल बी कॉल्ड एज मार्केट स्कीमिंग स्कीमिंग मतलब पहले ही हम ज्यादा प्राइस रखेंगे जैसे जैसे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर होंगे वैसे वैसे हम हमारे प्राइस को कम कर देंगे और अगर हम स्टार्टिंग में कम प्राइस रखेंगे और बाद में प्राइस को बढ़ाएंगे उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन उसका बेस्ट एग्जाम्पल है जियो तो यहाँ पे राइट right आंसर क्या बनेगा स्कीमिंग स्कीमिंग में क्या होता है हम पहले ही प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा रख देंगे ताकि कॉम्पिटिटर्स जब तक वो प्रोडक्ट लेके मार्केट में आएंगे तब तक हमने हमारा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर दिया होगा और बाद में हम प्राइस को कम कर देंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स पे शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले अभी और अगले बार मिलेंगे थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर